दोस्तों, जब भी भारत में बात होती है नेता की, तो ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि नेता मंत्री जैसे लोगों को ज़्यादा का भ्रष्ट ही माना जाता है, और इसलिए देश की जनता कभी नेता मंत्री जैसे लोगों से लगाव ही नहीं रखती है। और लेकिन जब आप लाखों नेता मंत्री को गिनेंगे, तब इनमें से सिर्फ एक दो ही ऐसे नेता मिलेंगे जो अपने किए हुए वादों पर अपने जीवन के आखिरी सांसों तक खड़े रहेंगे और देश और जनता के प्रति ईमानदार होंगे। और इसलिए जब ऐसी बात हो रही है, तो इसी में से एक नाम निकल के आता है, और वो नाम है मनोहर पर्रिकर जी का। जो कि सबसे दुख की बात यह है कि जो लाखों में एक थे, अब वो हमारे और आपके बीच नहीं रहे। और इसलिए आज हम इतने महान इंसान के बारे में जानेंगे जिन्होंने कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों में भी अंत तक देश का सेवा किया है। तो दोस्तों, मनोहर पर्रिकर जी का जन्म 13 दिसंबर 1955 में गोवा के एक मपूसा नाम के गाँव में हुआ था, और उन्होंने गोवा के लोयला हाई स्कूल नाम के इंस्टीट्यूट से अपने एजुकेशन को कम्प्लीट किया था। और उनके साथ खास बात ये थी कि वो बहुत ही छोटी उम्र से, यानी कि जब वो स्कूल में थे तभी उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था। और मनोहर जी काफ़ी मेहनती और सच्चे इंसान थे, जो कि उन्होंने 1978 में अपने ग्रेजुएशन को आईआईटी से किया था, जो कि आईआईटी सबकी बस की बात नहीं होती थी, जिसके लिए लोगों को आईआईटी निकालने के लिए 10-10 घंटे पढ़ने पड़ते थे। और उन्होंने आईआईटी करने के बाद 26 साल की उम्र में आरएसएस को फिर से ज्वाइन कर लिया था, जो कि वो आरएसएस के संचालक बन गए थे, जिसको कि इंग्लिश में लोकल डायरेक्टर भी बोलते हैं। और वो आरएसएस के अंडर में सेवा भी करते थे, और आरएसएस में लंबे समय से रहने से उन्हें बीजेपी का सदस्य बनने का मौका मिला, और उन्होंने इस मौका को नहीं छोड़ा। और उनके ईमानदारी मेहनत के कारण उन्हें 1994 में इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। और मनोहर जी 1994 में विधानसभा चुनाव में तो जीत गए थे, लेकिन उस टाइम बीजेपी को गोवा में लोगों का साथ नहीं मिल पाया था, और इसलिए वो अपने जीवन का पहला चुनाव एक तरीके से हार गए थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, और जब गोवा में दूसरी बार विधानसभा चुनाव हुआ, तब उन्हें भारी बहुमत से विधानसभा में वोट मिले थे, और वो 24 अक्टूबर 2000 में गोवा के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन 1.5 साल बाद ही, यानी कि 27 फरवरी 2002 को उन्होंने चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनकी वाइफ की मौत 2001 में कैंसर के कारण हो गई थी। और मनोहर जी के दो बच्चे भी थे जिन्हें वही संभाला करते थे। और परिस्थिति सही होने के बाद 5 जून 2002 में गोवा के जनता के प्यार की वजह से गोवा के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। और ऐसे में मनोहर जी सन 2000 से लेकर 2002 तक, फिर सन 2002 से लेकर 2005 तक, फिर सन 2012 से लेकर 2014 तक गोवा के चीफ मिनिस्टर थे। और मार्च 2018 में मनोहर जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और इसलिए उनके इलाज के लिए उन्हें US ले जाया गया था, जो कि इनकी इलाज वहीं पे चल रही थी। और इलाज होने के बाद इंडिया वापस आ गए थे, तब उनकी हालत फिर से खराब हो गई थी, और इसलिए सितंबर 2018 में इनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। और 27 अक्टूबर 2018 को ये बताया गया कि मनोहर जी पैंक्रियाटिक कैंसर के शिकार हो चुके हैं, और इसके बावजूद भी उन्होंने अपने शरीर में ड्रिप लगे हुए पार्लियामेंट जाकर गोवा के बजट को प्रेजेंट किया था, और बाकी जगहों पे पेशेंट के रूप में काम करते हुए दिखाई भी दिए थे, और अपने अंतिम सांसों तक देश का सेवा किया था। और आखिरकार 17 मार्च 2019 को पानाजी में कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई थी, और उनके मरने की ऑफिशियली घोषणा इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किया था। और इनकी मान्यता इस बात से लगाया जा सकता है कि माना जाता है कि मनोहर जी स्कूटी से जा रहे थे, तभी किसी लड़के ने उन्हें कार से टक्कर मार लिया था, और उस लड़के ने ये बोला कि मैं गोवा के पुलिस कमिश्नर का बेटा हूँ, और मनोहर जी ने उसे मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया कि मैं गोवा के चीफ मिनिस्टर हूँ। और इसलिए ऐसे महान इंसान को आज पूरी दुनिया याद कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तब तक के लिए आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।